सो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, ठीक है ना। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले उसको तो जान लें हम। द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए टू आर है, एलिमेंट है आर का, या ए रिलेटेड टू ए, ये साइन जो है आपका फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमने कोई सेट लिया ए और उसके एलिमेंट्स हो गए सपोज 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। और एक रिलेशन हमने बनाया इस सेट पे डिफाइंड 1 1 2 2 और 3 4, 2 3 और 3 3, ये हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए, ये आपका एक रिलेशन हो गया इसी सेट पे डिफाइंड, ठीक है। तो इस सेट पे तो दुनिया भर के रिलेशन बन सकते हैं इस सेट, अगर सेट ए में अगर हम नंबर ऑफ रिलेशन बनाना चाहें, ठीक, तो इसके अंदर आपके जो रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 to the power, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 4 × 4 मीन्स 2 to the power 16 आपके नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। उन सारे रिलेशन में से एक रिलेशन हमने ये ले लिया जो हमने बना रखा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आपका आर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हैं गौर से, 1 1 2 2 3 4 2 3 3 3, तो जो बेसिक डेफिनेशन कहता है कि अगर कोई सेट ए है उसके प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए के लिए मीन्स प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट का जो आना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज जो है स्वयं वही इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें गौर से, तो अब यहाँ देखिए आप इस रिलेशन के अंदर जो वन है आपका, वन का इमेज स्वयं वन बना हुआ है, ठीक है ना। और सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है वो टू है, टू का इमेज स्वयं टू बना हुआ है, ये भी क्लियर है। तीसरा एलिमेंट है थ्री, थ्री का स्वयं थ्री बना हुआ है, आप लास्ट वाला एलिमेंट देखिए, थ्री का इमेज थ्री बना हुआ है। अब बचा फोर, अब 4 4 इसमें होना चाहिए था, क्योंकि 4 4 इसमें होता, क्योंकि 4 का इमेज भी स्वयं 4 बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 4 आपका मिसिंग है, ठीक है ना। तो 4 4 इसके अंदर होता तो ये आपका रिलेशन जो होता वो कहलाता रिफ्लेक्सिव, तो इसके वजह से ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर इसके अंदर 4 4 होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। सपोज हमने दूसरा रिलेशन बनाया इसी सेट पर डिफाइंड, ठीक है, आर हमने बनाया 1 1 2 2 3 4 1 3 4 4 और उसके बाद 3 3, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप, जो आपका ये जो रिलेशन बना हुआ है इसके जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है 1 1, तो सेट ए के केवल 4 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में एलिमेंट वो 4 है, 1 2 3 और 4, तो हम केवल 1 2 और 3 4 को सर्च करना है। 1 का एलिमेंट स्वयं 1 हो रहा है, यस हो रहा है। 2 का एलिमेंट स्वयं 2 का जो इमेज है स्वयं 2 बन रहा है, यस बन रहा है। 3 का इमेज स्वयं 3 बन रहा है, यस, ठीक है। और 4 का इमेज स्वयं क्या 4 बन रहा है, यस। तो चारों के चारों जितने एलिमेंट थे हमारे सेट ए के, तो उनके जो इमेजेस बन रहे हैं यहाँ पे, और इमेजेस बनना जरूरी है, और इमेज क्या बनना चाहिए, स्वयं वही बनना चाहिए जो वो है एलिमेंट। जैसे 1 है तो 1 का इमेज स्वयं 1 बनना चाहिए, तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई छूट गया और उसका इमेज स्वयं खुद वो नहीं बना, तो वो रिलेशन आपका क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। द रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक कब कहला जाएगा, जब ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर होगा, इम्प्लाइज दैट, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिकल फॉर्म, आप देख रहे हैं ए कॉमा बी का सिमेट्रिकल फॉर्म बी कॉमा ए है। तो अगर हम इसको ज्यादा, फॉर ऑल ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सपोज हमने कोई सेट फिर से लिया ए, ए के अंदर ले लिया हमने 1 2 3 4 या 5 और ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप। और इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया 1 2 और 2 1,
ठीक है ना, और ये रिलेशन हमने ये बन चुका है आपका रिलेशन, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? तो पहला क्वेश्चन ये आया, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर होगा यस, ठीक है ना। जैसे कि आपने रिफ्लेक्सिव में देखा था कि हर किसी का होना चाहिए, तो इसमें जरूरी नहीं है कि अगर इसके अंदर 1.2 है, ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा ए भी है। आप देख रहे 1.2 का सिमेट्रिकल जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 2.1 यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसके वजह से आपका ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने कोई दूसरा रिलेशन लिया 1.3, 2.3 और उसके बाद हमने लिया 4.5 और उसके बाद हो गया तुम्हारा 3.2 इसमें है और 3.1 इसमें है, ठीक है। और उसके बाद हमने चलो इतने ही ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 1.3 इसके अंदर आ गया है, आप पहला जो एलिमेंट है इसका आप देख रहे हैं इट इज 1.3। अगर 1.3 है, ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा ए होना जरूरी है। 3.1 इसके अंदर है, ढूंढिए, यस है, चलो इसको तो क्लियर है कि इसके लिए तो ठीक है, इसका बना हुआ है, ठीक है ना। 2.3 है, क्या 3.2 भी है? यस है, ये आप देख रहे हैं 3.2 भी है। बट इसके अंदर 4.5 भी तो आ गया है, तो 4.5 के लिए इसका जो सिमेट्रिकल ऑर्डर्ड पेयर है 5.4 भी इसमें होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें 5.4 नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाया जाएगा। तो हम चलते हैं अब सिमेट्रिक कब बनेगा ये, तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक है। सपोज हमने और एक रिलेशन बनाया आर 1.3, 1.2, 3.4, 2.3 और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 4.3, 2.1 और 3.2। ये ऑर्डर्ड पेयर्स इसके एलिमेंट्स हो गए इस रिलेशन के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है इसका 1.2 है, ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा ए होना चाहिए, है क्या इसमें? तो 2.1 है, यस, ठीक है। 3.4 इसमें है, तो क्या 4.3 इसमें है? चेक कीजिए, यस इट इज देयर। 2.3 है, क्या 3.2 भी है? यस इट इज देयर। सो दैट मीन्स ये फॉर एवरी ए कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका तीसरा रिलेशन बना ये सिमेट्रिक है, सेकेंड और फर्स्ट जो आपका था वो सिमेट्रिक, सॉरी फर्स्ट भी आपका सिमेट्रिक था और सेकेंड वाला नहीं है, और थर्ड वाला भी आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। होप दिस इज क्लियर। तीसरा हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होता है देख लेते हैं इसको। ट्रांजिटिव का मतलब है संक्रमण, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन, यू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण, फैलना, ठीक है। तो उससे आप इसको समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कहानी क्या है। द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कॉमा बी और दूसरा ऑर्डर पेयर है बी कॉमा सी और दोनों आर के एलिमेंट है, तो इन दोनों से ये फैल करके एक नया एलिमेंट ए कॉमा सी का जो कि आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला ऑर्डर्ड पेयर देखिए आप ए कॉमा बी, बी पे खत्म हो रहा है, आप चेक कीजिए ये बी पे खत्म हो रहा है, और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो बी से शुरू हो रहा है और सी पे खत्म है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट वाला ए कॉमा सी बन गया आपका ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका आर के अंदर होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको बेटर तरीके से आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। तो लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोज हमने कोई सेट लिया 1, 2, 3, ठीक है, और इसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया 1.2 और 2.3 और इसके अंदर हमने ले लिया 1.3। तो पहला क्वेश्चन होगा क्या आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो चेक कीजिए आप पहले कंडीशन देखिए। देखिए पहला ऑर्डर पेयर आपका 1.2, ठीक है ना। तो आपने ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है यहाँ पे जो 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर सेकेंड नंबर में 2.3, हो सकता है वो थर्ड नंबर में भी हो सकता है, ठीक है ना, जो ही नहीं कि वो बीच में ही होगा। तो 2 से शुरू होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर जो आपका 2 से शुरू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स पहला ऑर्डर पेयर का पहला और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला जो बना ऑर्डर पेयर इनसे 1.3, क्या इसके अंदर है? यस है, तीसरा 1.3 इसके अंदर है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन बना आपका ये बन गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सपोज हमने और एक एग्जांपल लिया, लेट ये आपने एग्जांपल लिया 1.1 ले लिया हमने इसमें,
2, 2 और 3, 3 और इसमें हमने लिख दिया 1, 2, 2, 3 और इसके बाद ले लिया हमने 1, 3 ठीक है और ले लेते हैं 2, 3 और ले लिया हमने 3, 1 ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या बताइए आप ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं, तीनों क्वेश्चन इसमें आ गए आपके। तो पहले तो आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है तो पहले आप सेट ए को देखिए, सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3 दैट मीन्स 1, 1, 2, 2 और 3, 3 जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो तीनों इसमें होने चाहिए, क्या है चेक कर लीजिए आप वेदर दे आर प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। तो पहला देखिए 1, 1 तो इसके अंदर है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो इसके वजह से ये आपका जो रिलेशन बना ये इन तीनों के वजह से ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब आप चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 है तो क्या 2, 1 इसके अंदर है, चेक कीजिए नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा आपको 2, 1 दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये यहीं पे फेल हो चुका है। तो अगर इसके अंदर a, b आ गया तो b, a इसके अंदर होना जरूरी है, अगर आ गया तो बाई चांस, अगर नहीं आए तो उसमें कोई बात नहीं, अगर ये इसके अंदर नहीं होता तो कहानी क्या होती, फिर चेक कीजिए अगर ये 1, 2 इसमें नहीं होता तो फिर अगर तो फिर क्या होता, क्या तब भी ये सिमेट्रिक था, तो चेक कर लीजिए 2, 3 इसके अंदर है क्या, 3, 2 है, चलो इसके लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1, 3 इसके अंदर है क्या, 3, 1 इसके अंदर है, यस है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करना है 2, 3 इसमें देखिए आप 2, 3 अब 3 से कोई शुरू हो रहा है, लास्ट वाला आपका देखिए 2, 3 है और 3, 1 तो क्या 2, 1 इसके अंदर है, क्योंकि देखिए आप ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ 2, 3 इसके अंदर है और ये 3 पे खत्म हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर, और 3 से कोई ऑर्डर्ड पेयर शुरू हो रहा है, यस ये आपका ये वाला हो रहा है शुरू ठीक है। तो आप देखिए 2, 3 है तो 3, 1 ये आपका इसके अंदर है, तो इसके जो एलिमेंट है 2, 1 इसमें होना चाहिए था ठीक है ना, 2, 3 के बाद आ गया आपका दूसरा ऑर्डर पेयर 3, 1 तो a, b, c तो a, c इसके अंदर होना चाहिए, क्या है नहीं है, तो इसके वजह से आपका जो रिलेशन बना ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशंस जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं इनको आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया तो आ ही गया होगा आपको, तो बाकी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके माध्यम से आप इसको और ज़्यादा आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।